तो भाइयों, न्यूजीलैंड की अभी एक क्विक अपडेट आ गई है। जो हम सोचे थे कि टेस्ट होने वाले हैं, उनकी प्राइस कितनी होगी और कैसे क्या सीन होगा, सारा उन्होंने अपडेट कर दिया है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हुआ था, उन्होंने जो अपडेट दी थी वो 4 दिसंबर को दी थी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और फिलहाल मैं एडिलेड से आप सभी से बात कर रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4 साल से एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते होंगे तो यू माइट बी अवेयर दैट आई मेक वीडियोस ऑन नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया और हाउ इज द लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। न्यूजीलैंड आज के टाइम पे, मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम पहले इट वॉज अ कैप प्रोग्राम विच दे वर डूइंग, पर आज के टाइम पे बहुत बहुत ही इजी प्रोसेस हो गया है और आज के टाइम पे इट्स ट्रेंडिंग एज वेल। तो भाई, इतना मैं बताऊं, ट्रेंडिंग का सीन ऐसे होगा, देखना आप कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड दूसरा, जैसे इंस्टाग्राम पे मोय हुआ था ना, वैसे नर्सिंग का न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कुछ टाइम पहले यूके था। यूके का एक कारण होता था भाई कि फीस कम होती थी, है खर्चा बहुत कम लगता था और मोस्टली रिफंड हो जाते थे। अब न्यूजीलैंड का बताता हूँ क्या हिसाब है। न्यूजीलैंड ने अभी 4 दिसंबर से अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी थी। पहले इनके कैप प्रोग्राम होता था जिसका खर्चा 5 से 10 लाख के बीच का आता था, डिपेंड ऑन मैनी डिफरेंट थिंग्स। पर अब जो 4 दिसंबर के बाद इन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, उसमें सबसे पहले तो इन्होंने एक रिक्वायरमेंट चेंज कर दी थी कि भाई पहले जो एक रिक्वायरमेंट थी 2500 घंटे होने चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस के, अब वो घटा के ऑलमोस्ट 1800 घंटे कर दिए, जो आपका इंडिया का 1.5 साल का एक्सपीरियंस, परफेक्ट आइदर इट इज क्लिनिकल और टीचिंग। और अब दूसरा, अब उन्होंने एक पॉइंट उन्होंने अभी ये बताया कि भाई पहले कैप था जिसमें आपको स्टडी करनी होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब इसमें मेन जो चीजें हैं वो एक आपका थियोरेटिकल टेस्ट है, ऑनलाइन होगा, और एक ऑस्की है। उससे पहले छोटे मोटे कोर्सेज करवाते हैं ऑनलाइन, वो फ्री है, उसका कोई टेंशन वाली अपने बात नहीं है। तो अब भाई न्यूजीलैंड का ऐसा सीन हो गया है कि आप सबसे पहले, अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम CGFNS को अपने डॉक्यूमेंट सप्लाई करते हैं, दे वेरीफाई कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूजीलैंड के लिए वो वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद आप न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, उसमें फिर वो आपको बताते हैं कि यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट, फिर आप वो टेस्ट दोगे ऑनलाइन, फिर आपका ऑस्की होगा। ठीक है, अब इसका खर्चा बताता हूँ भाई क्या होगा। अब खर्चा भाई जो आपका पहले CGFNS का था उसका तो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये आप लगा लो, $400 समथिंग, 450, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, इट्स समथिंग अराउंड दैट। वो आपका खर्चा आपका CGFNS डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में लग जाएगा। अब सेम अमाउंट आप लगभग लगा लो आपकी लग जाएगी आगे, आप अगर न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल के साथ आपकी आगे प्रोसेस शुरू करते हो, उनकी असेसमेंट कॉस्ट लगा लो या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा लो, वो हो जाती है। लेकिन अब जो नई अपडेट मेन आई है कि टेस्ट का क्या सीन है। अब भाई दो टेस्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने एक कर दिया है मेडिकल सेफ्टी और दूसरा नर्सिंग नॉलेज। मेडिकल सेफ्टी और नर्सिंग नॉलेज दोनों का मिला के उन्होंने बताया कि हम करेंगे भाई $140 न्यूजीलैंड के आपकी टोटल फीस है। $140 भाई अगर आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो ये आपकी बन जाती है भाई ₹7,000 अगर आप देखो तो बहुत ही कम फीस है। जो टेस्ट की फीस है ₹7,000। अगर आपको मैं ये अपने ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया में एनक्लेक्स होता है जिसकी अराउंड ₹25,000 है फीस एनक्लेक्स की। अब इसकी एक और अच्छी बात यह है कि आप अगर आप दोनों में से किसी एक पार्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, इफ यू वांट टू रीसेट, वो भी हो सकता है। उसमें मेडिकल सेफ्टी वाले में अराउंड $32 का चार्ज लगेगा, जो कि आपके कितने हो गए 32 × 50 कर लेना भाई, बहुत ही कम हो गया ये तो। और अब उसमें दूसरा ऑप्शन आता है आपका जो नर्सिंग नॉलेज है, उसमें भाई $108 में ही आप वापिस से एग्जाम वो दे सकते हो। तो भाई जैसे अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो, और एक और बात भाई, हाँ पॉइंट नोट करना है कि टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या, ये सारी प्रोसेस बताता हूँ आपको। आपके पीटी के जो सेंटर्स होते हैं ना भाई, जो आपके लगा लो चंडीगढ़ में जैसे एलएनटे मॉल में है पीटी का एक सेंटर है, उन सेंटर्स पे आपका एग्जाम होगा भाई। तो इंडिया बैठे बैठे आप या आपकी कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान नेपाल जहां पे भी हो वहां बैठे बैठे भी आप अगर पीटी का दे सकते हो तो ये भी दे सकते हो। तो देखो इसकी अपनी एक टेंशन गायब कि भाई देना कहाँ है। और एक और अच्छी बात ये भाई, एनक्लेक्स नहीं है तो इसलिए इट विल बी इजी एज कम्पेयर टू एनक्लेक्स। अब जैसे अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर अगला प्रोसेस आता है भाई आपका ऑस्की। ऑस्की में न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये शुरू में आपको 2 से 3 दिन का एक ओरिएंटेशन कोर्स भी करवाते हैं छोटा सा, जिसमें आपको ये न्यूजीलैंड की नर्सिंग के बारे में बताते हैं, थोड़े प्रोसीजर वगैरह के ऊपर भी आपकी सारी आपकी काइंड ऑफ ट्रेनिंग कह सकते हो आप जिसे वो होगी। उसकी भाई उन्होंने फीस रखी है $500 न्यूजीलैंड, $25,000 उसकी फीस होगी। अब जो आगे आपका मेन ऑस्की आ जाता है,
मेन ऑस्के की फीस है भाई $3,000 $3,000 ऑस्के, वो आपका न्यूजीलैंड में ही होगा। न्यूजीलैंड में उन्होंने एक पर्टिकुलर शहर चूज किया है, पर्टिकुलर जगह पे होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले एडलेड में होता था, मेलबर्न में होता है ऑस्की, वैसे न्यूजीलैंड में होगा। अब 3,000 में आपका वो ऑस्की होगा। अगर आपका ऑस्की क्लियर नहीं होता है तो यू कैन रीसेट इट और आप इसमें वो 3,000 आपका वापिस से लगेगा भाई। अब इसका अगर आप लोग पूछोगे भाई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भाई जो ऑलमोस्ट यूके में है वही सेम यहाँ है। अब राइटिंग में 6.5, बाकी जितने भी आपके हैं लिसनिंग रीडिंग और स्पीकिंग इसमें 7 ईच होना चाहिए। और इसमें आप न्यूजीलैंड में भाई ओनली आयल्स एंड ओईटी विल बी वैलिड, पीटी नहीं चलेगा भाई। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहे हो तो वहां पीटी चलता है, यहां नहीं चलता है। तो अब आप देख सकते हो भाई, अगर टोटल ओवरऑल बताऊं मैं आपको, इसका एक दो और चेक्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक, उन सब का ऑलमोस्ट एस्टिमेट करके आपको बताऊं तो आपका 2 से 2.5 और 3 इतने के बीच का ही रहेगा भाई सर्कल। अगर आप इंग्लिश के टेस्ट भी दे लेते हो, सारी चीजें भी कर लेते हो, उसमें भी आपका इतना ही रहेगा। हाँ, अगर ये सब मैं आपको जो फीस बता रहा हूँ ये आपके जो ऑफिशियल फीसेज हैं उनमें होगी। हाँ, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करते हैं तो भाई दैट विल बी अ बिट डिफरेंट है। तो ये सारा प्रोसेस है भाई, पर आप इसको मैं कहूंगा कि आप खुद भी ऑनलाइन भी सारा प्रिपेयर कर सकते हो, बट इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, आपको मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप टॉप मेट से आप मेरे से बात करना चाहते हो तो अगर आप वो भी कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रोसेस रहेगा, आप कैसे क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो भाई। तो भाई बहुत बढ़िया न्यूज है ये। और मैं तो आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, अब इसमें अगर आप जैसे आपके पास न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन आ गया है, और अगर वही बात है मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं भाई हमारा मेन एम तो ऑस्ट्रेलिया आना है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा सीन है, इट विल टेक ओनली 10 to 15 days भाई। इनका एक पाथवे है जिससे वो कह दो कि संधि कह दें हम, अगर अपनी देसी भाषा में संधि है कि भाई जो तुम्हारी नर्सेज है हम उनको हमारे नर्स हमारे देश में काम करने देंगे, बस आपको ऑनलाइन थोड़े बहुत आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी होती है जिसके आपका खर्चा 20,000 to 30,000 rupees के बीच में आता है। ये अब मैं आपको एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो डॉलर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। और इसका टाइम कितना रहता है भाई, 10-15 दिन में आपको, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन है तो 10-15 दिन में आपको ऑस्ट्रेलिया का भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके बाद आप अपने ऑस्ट्रेलिया का आगे प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड की एक अच्छी बात यह है कि भाई पीआर ईजी है, फीस कम है, और अगर आप यूके से कंपेयर करें तो सैलरी ज्यादा है। सैलरी अब मैं आपको एक और बताऊं, अब फिलहाल यूके का ऐसा सीन है कि वो सैचुरेशन पॉइंट होता है ना भाई, भर दिया वाली बात हो जाती है भाई ये। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपके टाइम आपके लिए प्रेजेंटली बेस्ट ऑप्शन इज न्यूजीलैंड। अर्लियर इट वॉज यूके, लोग यूके से न्यूजीलैंड आते थे, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आते थे, पर अगर आपका डायरेक्ट आपका न्यूजीलैंड आ जाते हो आप और न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आते हो तो इट्स ए इजी प्रोसेस। तो भाई इट्स अप टू यू नाउ, अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंट्री चूज करना चाहते हो, कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, कौन सा प्रोसेस आपके लिए ईजी रहेगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, राम राम। ऐसे ही इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी भाई मेरे को कमेंट करके बताना, आपके कमेंट्स देखकर थोड़ा भाई मोटिवेशन मिलता है कि वी शुड स्टिल कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सच वीडियोस। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैज हेल्प्ड अस इन टिल दिस प्रोसेस, कि भाई अभी एक ऐसे सिचुएशन पे हैं जहां लोगों की कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकते हैं और लोग हमसे अगर बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग द 1-on-1 कॉल टॉपमेट, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट विच वी आर रिसीविंग बट इट्स अबाउट गिविंग आर प्रीशियस टाइम टू समवन एंड हेल्पिंग देम इन इट। तो दोस्तों ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहे आगे तक, इस वीडियो को नहीं, इस वीडियो को आगे शेयर कर देना ठीक है, ये वीडियो आप खत्म होने वाली है। चलो राम राम, मिलते हैं।